आज कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की खुशी में काजी टोला के नगर वासियों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रचार प्रसार समिति अध्यक्ष अजय पाल दोहरे ने भी इस शोभा यात्रा में संभाग लिया। वहीं शोभा यात्रा में कई गाँव के ग्रामीण भी सम्मिलित। विवार इंडिया न्यूज के लिए अजय तिवारी की रिपोर्ट, कन्नौज। देश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत खुदागंज में आज रामनवमी के शुभ अवसर पर बड़े ही धूमधाम से निकली शोभा यात्रा, जिसमें बड़ी ही सुंदर सुंदर झांकियां थी। वही झांकियों में सर्वप्रथम भगवान गणेश और शिव शंकर, भगवान राम और लक्ष्मण की झांकियां थी। वही झांकियों में सर्वप्रथम भगवान गणेश के तिलक बंदन किया गया था, फिर बारी बारी से झांकी के रूप में मौजूद सभी कलाकारों का तिलक कर भगवा झंडा दिखा कर जुलूस को निकाला गया। जहाँ महादेव मंदिर से झांकियों से सुसज्जित रथों पर कलाकारों ने अपनी कला दिखाई, वही नृत्य करते हुए सभी कलाकारों ने प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया, जिसमें माँ काली का अखाड़ा एवं शिव पार्वती का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं जुलूस में महादेव मंदिर से लक्ष्मीपुर होते हुए नगर के निगोही मोड़, पक्का तालाब, रामलीला मैदान होते हुए मुख्य बाजार में पहुंचा। वहीं जुलूस के दौरान जगह जगह पर भक्तों द्वारा नाना प्रकार के व्यंजनों एवं शरबत आदि खाने पीने के स्टॉल लगाकर भक्तों को वितरित कर पुण्य कमाया। इस जुलूस में भगवान शिव, पार्वती, कृष्ण, राधा, माँ काली, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान को रथ पर बैठाकर नगर में भक्तों के समक्ष दर्शन के लिए घुमाया गया। आपको बता दें कि महादेवा मंदिर पर लगने वाले मेले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु और आम नागरिक सम्मिलित हुए और जमकर खरीदारी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से थाना अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह चप्पे चप्पे पर नजर रखे रहे और उनके सहयोग में चार थानों का पुलिस एवं बल व अग्निशमन विभाग भी मौजूद रहा। इस दौरान जुलूस में शामिल रहने वाले लोगों ने चेयरमैन सुधीर सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष भाजीमो, नगर अध्यक्ष रोहित सिंह, विधानसभा विस्तारक देवेश पाठक, राम प्रताप राठौर, विश्व मोहन बंसल, सौरभ गुप्ता और नीटू अरुण मिश्रा, सत्संग भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह, संजीव गुप्ता, राम बाबू गुप्ता, सियाराम नायक, थाना अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह, राजीव सिंह, तुलसीराम कोहली, आशु जैन, आकाश दीक्षित, मुकेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल आदि भक्तगण उपस्थित रहे। 35 साल हो गए तब से यहाँ है, महान संत पत्रे बाबा जी आए हुए हैं, क्यों मनाया, ये क्यों मनाया जाता है? ये खुदागंज परंपरा कब से चली आई है? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। फरुखाबाद के तहसील अमृतपुर राजीपुर की ग्राम बरखा में अचानक गेहूं की फसल में आग लग जाने से करीब काश्तकारों की साल भर की कमाई राख हो गई। वहीं आग लगने से कई किसान बर्बाद हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका। साथ ही आग लगने से रतन सिंह, राम मिलन, सियाराम, महेश, सूरज पाल, ओम प्रकाश, हंस राम, राम सागर, संत राम, रसम नाथ, उद्धव सिंह और पप्पू आदि गरीब किसानों की लगभग 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। शासन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के महाविद्या कॉलोनी की घटना, जहां पर बाइक सवार हथियार बंद तीन बदमाशों ने किया लूट की घटना को अंजाम। वहीं घर में बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी किए बाद शहर के पौस इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। वहीं शहर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है पुलिस। थाना गोविंद नगर इलाके के महाविद्या कॉलोनी में चांदी व्यापारी के घर तीन बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। वहीं घर पर उस वक्त अनिल गर्ग मौजूद नहीं थे। हथियारबंद बदमाशों ने आकर अनिल गर्ग की पत्नी पर पिस्तौल तांदी, साथ ही दो बच्चों और पत्नी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। पत्नी से जेवरात उतवा लिए और पास में रखा लॉकर भी बदमाश हथियारों के बल पर लूट कर ले गए। वहीं ज्वेलरी के साथ 5,000 रुपए की नकदी भी बदमाश अपने साथ ले गए। वहीं बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस को घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और घटना की जांच में जुट गई। साथ ही शहर में नाकाबंदी की गई, लेकिन अपराधियों का कोई भी सुराग नहीं लगा। वहीं पास में लगी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाले तो बाइक पर तीन अज्ञात बदमाश घर से एक बक्सा ले जाते हुए दिखाई दे रहे। घटना स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम भी फिंगरप्रिंट उठाई और हर एंगल से घटना की जानकारी की। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे में आचार संहिता लागू हुई और हर चौराहे तिराहे पर पुलिस बल तैनात है। आने जाने वाले वाहनों की
सघन चेकिंग का भी दावा किया जा रहा है। फिर भी दिन दहाड़े व्यापारी के घर में हथियारों के बल पर लूट, पुलिस को बदमाशों की खुली चुनौती है। जिस तरह बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर लूट की, वह वाकई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस घटना का खुलासा कितनी जल्दी करती है या फिर घटना केवल कागजों में दर्ज होकर रह जाएगी। वहीं सूबे में इस तरह की घटना यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान खड़े कर गला दबा के फिर रिवॉल्वर तान दी, रिवॉल्वर तान के और मेरी चैन खींच ली। जब मैंने आवाज लगाई अपनी बहू को, मैंने कहा निधि निधि बदमाश घुस गया, बदमाश घुस गया, तो मेरी चुटिया पकड़ के और रिवॉल्वर मेरे रख के अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गए। और लड़की बहू का भी, उसको भी रिवॉल्वर तान दी। क्या बता, जो कल है ना जो नगादा केस आया, वो केस कहाँ है? तो मैंने, भैया कौन सा केस आया, हमारे पे तो कोई केस नहीं है। कह रहे नहीं, जब कल देना 30 करोड़ रुपए आया ना, वो करोड़ रुपए दे, कहाँ रखा है? तो उन्हें उसकी सब पूरी रकम, ज्वेलरी वगैरह जो उतार, मेरी चैन खेच, उसकी चैन खेच, हाथ की चूड़ियाँ उतार, सास की चूड़ियाँ उतार, सबको ले गए। और कह रहे बोलोगे ना तो हम गोली मार देंगे तुम्हें। तीनों पर रिवॉल्वर थे। वो नाती बेर में लड़कियों खींचे कि हम इसको ले आएंगे, हम इसको पकड़ो पहले, जब कबूलेगी। मैं से बोला तू चुप रह, अगर तू बोलेगी ना तो तेरे को तो गोली मार देंगे बिल्कुल भी। मैं अल्लाह मचा रही थी, तो मैंने कहा भैया तू ऐसा, मैं हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही उनके। मैंने भैया तू मेरा भाई के बराबर है, तू मेरे बेटे के बराबर है। लेकिन वो नहीं सुन रहा था, वो कह रहा तू मत बोल, तू तो गोली मारूंगा, तू अल्लाह ज्यादा मचा रही है। तो बेर में लड़कियों खींच रहे, बेर में भैया बहू की चढ़ावे की रकम ले गए सब। 5-6 सेट है उसमें, ज्वेलरी चूड़ियां हैं, गले की चैन है, डायमंड की अंगूठी है। केस नहीं ले गए, केस तो ज्यादा 5,000 रुपए होंगे, केस नहीं ले गए। केवल तीनों पे हथियार थे। हाँ, तीनों पे हथियार थे। भैया मैंने तो देखा नहीं, गाड़ी के पास आके तीनों जने खड़े हो गए थे। तीनों आके और कहने के अनिल कहाँ है, तो कहने तेरे आदमी को, तो ना मेरे हस्बैंड है अनिल करके। क्या घटना? हम तो दुकान चले गए थे सवा 10 बजे, 11:15 बजे करीब आए बदमाशों घर वालों के हिसाब से, ताकि मुझे मत गोली मत मारो, गोली मत मारो, बच्चों पर गोली लगा रखी थी। तो उसी से हमको सबको जानकारी हुई थी, मतलब घर में कोई घटना हुई है। अनिल गर्ग जी के घर पे लूटपाट हुई है, 3 बदमाश आए हैं, किया है, इनका शीघ्र ही हम अनावरण करेंगे। जानकारी पाई सर, कितने लोग थे? और तीन लोग अंदर आए थे, घर में केवल महिलाएं थी। बाद में एक इनके हस्बैंड भी आए थे, उनको भी उन्होंने बिठा लिया था। और लूटपाट हुई, लूटपाट का पूरा ब्यौरा अभी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाया है। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा।